देखिए, हम सबने एक नाम तो चुन रखा है कि हाँ भाई ये अपना फेवरेट है, किसी का प्रभास, किसी का अल्लू अर्जुन, किसी का रामचंद्र, किसी का NTR, लेकिन उन सब में भी एक नाम ऐसा आता है जो सबका फेवरेट, उसे आप हेट कर ही नहीं सकते। द नेम इज विक्रम, वन एंड ओनली चियान विक्रम। और भाई इनकी फिल्में हमेशा ना ऐसी होती कि एक बार तो दिमाग खराब कर देती कि भैया क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, बल्कि अमेजिंग से भी ऊपर कुछ है। तो भाई मैंने इनकी जो फर्स्ट मूवी देखी, मैं आपको बता दूं, दैट वाज अपरिचित, और उसके बाद मैंने जिंदगी में पीछे मुड़ के नहीं देखा। कुछ अलग ही लेवल की एक्टिंग करके दिखा दी। उसके बाद तो भैया इन्होंने बताया कि वर्सेटाइलिटी क्या होती है, कैसे काम किया जाता है। एंड अभी अपने रिसेंट इंटरव्यू में, जो कि पोनियन सेल्वन के प्रमोशन के लिए आए हुए थे, तो उन्होंने बताया पोनियन सेल्वन के बारे में, और कुछ ऐसी बात है जिसके बाद आप भी कहोगे कि यार छी 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 बॉलीवुड वालों, कुछ तो शर्म करो। देखिए, आपको पता होगा 2010 में एक मूवी आई थी रावण, एंड अभिषेक बच्चन थी उस मूवी में, ऐश्वर्या राय थी, एंड अपने डेब्यू कर रहे थे विक्रम इन बॉलीवुड, और इसके डायरेक्टर थे मिस्टर मणिरत्नम साहब। फिल्म ठीक थी, एक अलग एंगल दिखाया गया था, रावण के प्रोस्पेक्टिव से भी चीजें दिखाई गई थी, मैंने इंजॉय किया फिल्म को। लेकिन वहां पर हुआ क्या, मणिरत्नम साहब खुद साउथ की फिल्में बना रहे थे और बहुत बड़े स्टार बन चुके थे 2010 तक विक्रम इन तमिल इंडस्ट्री, मतलब कि बहुत ही भारी स्टार। लेकिन आपको पता होगा इतना प्रमोशन किया गया था इस मूवी का, अभिषेक बच्चन थे, ऐश्वर्या थी, लेकिन कहीं पर भी विक्रम अवेलेबल नहीं थे साउथ इंडस्ट्री में, इसका वैसे ही प्रमोशन नहीं किया गया। फिल्म कर गई बॉक्स ऑफिस पे बॉम्ब, यानी कि नहीं चली, और अभी तक विक्रम को नहीं पता कि व्हाई ही वाज नॉट इनवाइटेड इन एनी फिल्म प्रमोशन। अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या ही चारों तरफ थे। और अभी रिसेंटली जो उनके साथ हुआ कि जो उनकी मूवी है जिसमें उनके बेटे ध्रुव भी हैं, एंड ही इज आल्सो फैंटास्टिक एक्टर, तो ध्रुव और अपने विक्रम साहब, इनका था कि ऐसा बड़े पर्दे पर रिलीज हो, पैन इंडिया रिलीज हो, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। कुछ प्रोमिसेस किए गए थे, डिस्ट्रीब्यूटर्स थे, लेकिन ये नहीं हुई, क्योंकि अभी इनको समझ आया कि इसका रीमेक बनाया जा रहा है। अगर भाई हिंदी में पैन इंडिया रिलीज हो जाती तो इसका रीमेक नहीं आता, बट नाउ पीपल आर प्लानिंग इट टू हैव अ रीमेक, तो इस बात पर इनको बुरा लगा। तो पोनियन सेल्वन के टाइम पर इनको यही बताया है कि भैया देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता, और डेफिनेटली मैं प्रमोट करने जाऊंगा नॉर्थ में मेरी फिल्म को, लेकिन आई डोंट थिंक सो मैं किसी बॉलीवुड एक्टर की हेल्प लेने वाला हूँ इसमें प्रमोशन की। एवरीथिंग वी विल डू ऑन आर ओन, अब देखते हैं। क्योंकि भाई देखिए, सुपरस्टार ही बहुत सारे हैं यहाँ पर, आपको एक तो ऐश्वर्या देखने को मिल जाएगी जो बॉलीवुड में काफी टाइम बाद आ रही है, दिस लेडीज हैविंग डिफरेंट ओरा। यहाँ पर आपको बेस्ट विक्रम है, एंड देन देयर इज अ कार्थी, ये दो ना उठा देंगे फिल्म को, इस बात की मेरी गारंटी। अगर आप मुझे कॉमेंट करके बताएं कि आपकी क्या राय है। बाकी मिलता हूँ मुझे बहुत जल्द, तब तक आप सभी को अलविदा।